बेटा, वो लास्ट लेक्चर में हमने एक इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा आइडिया लिया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन का, और हमने दो तरह की रिएक्शन समझी, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स। ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, दैट इज डायरेक्ट रिएक्टेंट कोलाइड हुए, प्रोडक्ट बन गया, तो हम उनको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई स्टेप्स इंक्लूड हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उन सारे स्टेप्स में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे जो धीमी रेट से होता है, एक्चुअल में उसी में टाइम हम इंक्लूड करते हैं, तो ओवरऑल जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो उस स्लोएस्ट स्टेप की रेट को ही बोला जाता है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा टाइम कितना लगेगा रिएक्शन में या चेंज इन कंसेंट्रेशन में। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो जितना स्लोएस्ट होगा स्टेप, जितना धीमा होगा, उतना ही टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। ओवरऑल इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी को अगर हम एक और एंगल से समझें, तो मॉलिक्युलरिटी को समझना एक और एंगल से बहुत अच्छा है। और वो क्या है बेटा, कि अगर मान लो रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल है? केवल एक ही है, जैसे कई चीज डिकम्पोज होती है ना बेटा। मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं आपके सामने कि या तो रिएक्शन क्या होगी मॉलिक्युलरिटी में, अगर मॉलिक्युलरिटी वन है, क्या है बेटा मॉलिक्युलरिटी वन है, अगर मॉलिक्युलरिटी वन होती है तो हम इसको बोलते हैं यूनि मॉलिक्युलर रिएक्शन। जिसकी मॉलिक्युलरिटी वन वन फॉर यूनि, तो हम इसको उनको बोल सकते हैं दैट इज यूनि मॉलिक्युलर रिएक्शन। यूनि मॉलिक्युलर रिएक्शन जो होती हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट स्पीशीज एक ही है और वो डायरेक्ट रिएक्शन कर रही है, अपने आप से ही रिएक्शन कर रही है। और ऐसा कब होता है? इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का जो मॉलिक्यूल है NH4 अमोनियम नाइट्राइट NO2, NH4 NO2 को अगर थोड़ा सा गर्म किया जाए तो ये N2 में और वाटर में टूट जाता है। ओके बेटा, तो अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक ही है, और वो भी क्या हो रहा है? अपने आप उसके अंदर के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, अपने आप डिकम्पोज हो रहा है, तो उस समय मॉलिक्युलरिटी वन हो सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा, वो अगर मॉलिक्युलरिटी ज्यादा है, अबे क्या है मॉलिक्युलरिटी बेटा रिएक्शन की? मोर देन वन है, मतलब एक से ज्यादा स्पीशीज है, तो इसका मतलब क्या होता है? अब ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इस टाइम पर जो ये मॉलिक्युलरिटी होती है, जो एक से ज्यादा होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देन इस केस में मॉलिक्युलरिटी इज इनफैक्ट द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड, जो आपस में टक्कर हो रही है इनकी साइमल्टेनियसली एक साथ। टू ब्रिंग केमिकल चेंज या टू ब्रिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करने के लिए या चेंज करने के लिए, या कह सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक साथ, एक बार ध्यान देना बेटा, एक साथ जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं उस नंबर को हम मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो। आप लोग समझदार हो बेटा कि अगर मान लो ये पॉसिबल है कि दो मॉलिक्यूल आए और एक साथ कोलाइड कर जाएं, है ना बेटा, तो उस समय इनसे प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन होगी, उस समय हम इसकी मॉलिक्युलरिटी बोल देंगे दो। कितनी बोल देंगे बेटा मॉलिक्युलरिटी? ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल से आर लिख देता हूं मैं,
दो हो जाएगी मोलिकुलरिटी, वेरी गुड। ये भी कुछ हद तक पॉसिबल है, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक साथ तीन मॉलिक्यूल आए और एक ही पॉइंट पर एक साथ आके तीनों टकराए, साइमल्टेनियसली एक साथ तीन टकराए, चांस कम है लेकिन है जरूर, है ना बेटा। सर तो यहां पर भी मॉलिक्यूलरिटी हम ये कह सकते हैं कि तीन हो जाएगी, लेकिन आप खुद समझदार हो बेटा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ टकरा जाए। ये तो हो सकता है कि दो टकरा गए, दो के बाद फिर तीसरा आके टकरा गया, फिर थोड़ी देर बाद चौथा आके टकरा गया, लेकिन एक साथ बात हो रही है, साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही पॉइंट पर चार मॉलिक्यूल आके टकरा जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इज दैट क्लियर? यस आप ऐसे मान सकते हो जैसे किसी रोड पर कोई एक गाड़ी जा रही है, अचानक से उसमें आग लग गई, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी वन। उसमें मॉलिक्यूल में ही कार का मॉलिक्यूल मान लो, उसमें ही अंदर आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए या फ्यूजन हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन एक रोड पर अगर कार चल रही है तो दो कार आपस में जब एक्सीडेंट होंगी या दो गाड़ियों में एक्सीडेंट होगा आमने सामने से, तो एक साथ दोनों टकराएंगी, तो उस समय वो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गए, दो कॉलेज आपका कोलाइड एक हुआ और एक कॉलेजन में दो मॉलिक्यूल टकरा गए एक साथ, एक ही जगह पर एट द सेम टाइम तीन गाड़ियां एक साथ टकरा जाए, ये रेयरली आपने देखा होगा, है ना बेटा, कभी कभार। लेकिन एक ही रोड पर एक साथ एक ही टाइम पर एक साथ चार या चार से ज्यादा गाड़ियां टकराती हुई देखा है कभी आपने, कभी सुना है बेटा? नो सर वो नहीं होता। वो अलग बात है कि स्टूडेंट्स बोले कि हमें सर की बात गलत करनी है साबित, तो एक राउंड बना करके 10 स्टूडेंट खड़े हो जाएं बाइक लेकर के, जब हम टकराते हैं एक साथ, इज अ डिफरेंट थिंग। आप में दिमाग है, आप मेरे अगेंस्ट जाकर के एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स में दिमाग थोड़ी होता है, तो वो तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी बिना सोची समझी, तो बिना सोचे समझे जो एक्सीडेंट होते हैं वहाँ कहीं भी चार या चार से ज्यादा एक साथ नहीं टकराते। हाँ ये हो सकता है कि एक हाईवे पर दो गाड़ियां टकरा जाए, वो एक कॉलिजन हो गया, उसके बाद पीछे वाली गाड़ी आके टकरा जाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो सेकंड कॉलिजन हुआ, बाद में टकराई है, फिर हो सकता है उसके पीछे आने वाली गाड़ी भी कंट्रोल खो जाए और वो भी आके टकरा जाए, वो थर्ड कॉलिजन हुआ, एक साथ नहीं टकराई चौथी गाड़ी, टक्कर तो पहले हो चुकी थी, ये थर्ड कॉलिजन है, तो इस तरह से फोर्थ फिफ्थ सिक्स आगे कॉलिजन हो सकते हैं, वो स्टेप हो जाए इन सारे, एक कॉलिजन फिर दूसरा कॉलिजन फिर तीसरा कॉलिजन, सिंगल कॉलिजन एक साथ एक ही टाइम पर तीन से ज्यादा गाड़ियां टकराते हुए कभी आपने नहीं देखा है। आप इस चीज को यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो कि तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ एक ही पॉइंट पर कोलाइड कर जाएं, इस बात के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। इट मींस अगर मैं रियल मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं, जो कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बताती है जो एक साथ टकरा रहे हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, मैं इसके आगे मस्ट भी लगा देता हूँ, विच मस्ट कोलाइड, ये मस्ट है ये बात, तो चार से या चार से ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। इसका मतलब रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज्यादा नहीं होती, रेयरली ही होगी, वो एक एग्जाम्पल एक दो हजारों लाखों रिएक्शन में हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो तीन से ज्यादा होने की बहुत कम है। इज दैट क्लियर बेटा? यस वेरी गुड। तो मैं यहां पर वही बात आपसे कहने जा रहा था, इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन हैविंग मॉलिक्युलरिटी मोर देन थ्री इज वेरी लेस, तीन से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी की प्रोबेबिलिटी
बहुत कम है, मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी की रिएक्शन नहीं होती है। इज दैट क्लियर बेटा? पर मैंने जीरो नहीं कहा है, लेस कहा है, एक दो एक्सेप्शन को हम ड्रॉप कर रहे हैं। बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। तो अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई होती तो क्या होता? अब हम इस पे बात करते हैं। अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई होती एक्चुअल मीनिंग मॉलिक्युलरिटी का, केवल मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताया था मॉलिक्युलरिटी में कि इट इज जस्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ये बताया था ना बेटा आपको मैंने। बोलो, प्रीवियस लेक्चर में यही डिस्कस किया था हमने, मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिएक्शन ली बेटा KCl3 प्लस 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, KCl प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 H2O। मेरे बेटाओ, इस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कितने नजर आ रहे हैं? 10 बताओ 10। ये वेरी गुड। यहाँ आपको एक पोटेशियम का, सॉरी यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा है पोटेशियम का, KCl3 का, 6 FeSO4 के, 3 H2SO4 के। तो इससे क्लियर हो रहा है द अबव रिएक्शन सीम्स टू हैव मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 10। अगर मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी, तो इसका मतलब यहाँ तो 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितनी मॉलिक्युलरिटी मुझे दिख रही है यहाँ पर, कितनी नजर आएगी? इट सीम्स टू बी 10। ओके बेटा? यस सर। इसका मतलब तो मॉलिक्युलरिटी का रियल में क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि 10 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड हो रहे हैं, जो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता मतलब कि इसकी मॉलिक्युलरिटी 10 नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने उस डेफिनेशन में एक वर्ड जोड़ा था उसको 100% करेक्ट करने के लिए। और मैंने क्या जोड़ा था? मैंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी, मैंने कहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कहा था ना बेटा? यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये एक ही स्टेप में नहीं हो रही है, इसमें एक के बाद कोलिजंस हो रहे हैं अलग अलग स्टेप्स में, कई स्टेप्स हैं, तब फाइनल जाकर के रिजल्ट हमें दिख रहा है। तो क्लियर हो गया। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इज दैट क्लियर बेटा? ये मॉलिक्युलरिटी 10 पॉसिबल नहीं है, और ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब क्लियर हो गया बेटा मॉलिक्युलरिटी का रियल मीनिंग क्या होता है, समझ में आ गया? यस सर। इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी अगर आप डायरेक्ट इस तरह से निकालते हो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कि 10, तो ये बात तो मीनिंगलेस होगी, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, हम इसे मॉलिक्युलरिटी नहीं मानेंगे। इस तरह की मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? मीनिंगलेस। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मॉलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब आप इसको स्टडी नहीं करोगे, ना आपसे पूछी जाएगी ना आपको इससे कोई मतलब है. इज दैट क्लियर बेटा? यस सर. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर तो हम सबके लिए देखेंगे रिएक्शंस के लिए, लेकिन मॉलिक्युलरिटी का मतलब या ये वर्ड हम केवल तभी यूज करेंगे जब रिएक्शन एलिमेंट्री होगी, अदरवाइज हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए टर्म यूज ही नहीं करते, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है. तो अब हम आगे बढ़े इसके. Yes, sir. तो इस पार्ट पे रेड कर दूं बेटा. रेड कर दूं? Yes, sir. चलो फिर. Yes, sir. Very good. आगे देखो फिर. अब हम वापस आते हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, इनका एक बार कंपेरिजन फिर करते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. सबसे पहला पार्ट है नंबर वन. मैंने आपको बताया था, आपको बेटा याद होगा के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकती है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक बार फिर लिखते हैं, क्या क्या हो सकती है बेटा. ये हमने लिखा था इट मे बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर और फ्रैक्शन. याद है बेटा? यस सर. ये लिखा था ना. बट अब आपको इस चीज में थोड़ा सा करेक्शन करना है. मैंने यहाँ पर ये रिएक्शंस के लिए कहा है, अभी नाम नहीं दिया रिएक्शन का. अब मैं आपको नाम दे रहा हूं, वो ध्यान दो. मैंने क्या कहा, रिएक्शन दो तरह की थी, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स. वेरी गुड बेटा. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर आपको मेंशन कर दिया पहले से ही कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ओनली ऑर्डर लिख देता हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर. क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर. वेरी गुड. ये आपको ध्यान रखना है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो सकती, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है ना. हाँ, नेगेटिव के चांसेस कुछ हैं, तो आप ज्यादा बेटर है कि आप ये कह दें कि ऑर्डर कांट बी जीरो एंड फ्रैक्शनल. ओके बेटा जी. Yes, sir. तो आप ऑर्डर को ध्यान से देखो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम कह देते हैं, हमें रिएक्शन का पता नहीं, केवल रिएक्शन वर्ड यूज किया है, तो मैं जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर या फ्रैक्शनल कुछ भी ले सकता हूँ. बट ऐसा क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में केवल आपके इंटीजर में ही होगा, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव, कभी जीरो या फ्रैक्शनल नहीं होती. नंबर टू, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो है वो मे बी जीरो एंड फ्रैक्शनल ऑल्सो. मैंने एक वर्ड किया इसमें ऑल्सो. ऑल्सो मतलब जीरो और आपका वो इंटीजर तो था ही पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जीरो और फ्रैक्शनल भी हो सकता है. इसीलिए मैं अगर नाम ना लू एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स कोई रिएक्शन का, तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि रिएक्शंस में जीरो, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है. इज दैट क्लियर बेटा? यस सर.
यस सर। तो आपको ये याद रखना है, स्पेशली याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, हम ओवरऑल बोलते हैं अलग बात है, अगर उसने नाम दे दिया एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री में जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। ऐसे ही मॉलिक्युलरिटी जो है बेटा, ये मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये कभी जीरो भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हम लिख चुके हैं, पर एक बार फिर लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम से कम एक तो होगा जो टूट रहा होगा, एक से कम तो कोई मतलब नहीं, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो एक तो डिफरेंस ये हुआ मॉलिक्युलरिटी का और ऑर्डर का, कि मॉलिक्युलरिटी में आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव इंटीजर होता है हमेशा, और यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन हम इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बता चुका हूं मैं आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, ये मीनिंगलेस। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट इज मीनिंगलेस। बात समझ में आ गई ना? यस सर। तो केवल रिएक्शन कहेगा वो, यहाँ पे एलिमेंट्री एलिमेंट्री कुछ नहीं कहेगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो अपने आप बात ही नहीं करेगा, और रिएक्शन एलिमेंट्री भी तो बात करेगा, और उसमें हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। मैं हर वर्ड को, इस मॉलिक्युलरिटी और इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को लोग आधे घंटे में खत्म कर देते हैं, मैं आपके इसके दो सेशन लगा रहा हूँ, पूरे पूरे ढंग से समझ लो हर वर्ड को, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो ऑर्डर होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगेगा कि वो किस तरह से रेट को उसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट कर रही है, और उन्हीं पावर्स को हम ऐड करते हैं, पावर्स का सम होती है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जबकि जो मॉलिक्युलरिटी है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, कि हम थ्योरी के हिसाब से रिएक्शन में देखेंगे कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, या नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। ओके बेटा? वेरी गुड। तो अब यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं, इन दोनों के केस में, इसलिए मैं अलग पेंस यूज कर रहा हूं, कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो स्टेप जो सबसे धीमा था, स्लोएस्ट स्टेप था, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह रहे हैं, उस स्टेप के लिए या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर होते हैं, दोनों एक ही बात होती है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्लोएस्ट स्टेप की ऑर्डर होती है वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। तो आप इसमें ध्यान रखना है कि इसमें स्पेशली ध्यान रखें कि एक टर्म अब इसमें स्टेप्स में जो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में और यूज होता है वो आपको और बताते हैं। एक तो गया RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सबसे धीमा स्टेप, और दूसरा स्टेप, दूसरा जो टर्म इसमें आता है वो है इंटरमीडिएट। बताता हूं अभी आपको क्या है इंटरमीडिएट का मतलब। आगे बढ़े बेटा। यस सर। वेरी गुड। अब देखो इसके आगे, इंटरमीडिएट इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द स्पीसीज, कह रहा हूं मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, इज द स्पीसीज विच इज नॉट प्रेजेंट इन ओवरऑल रिएक्शन। जो हम ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स,
उसमें नहीं होता बट प्रेजेंट इन स्टेप्स, बट प्रेजेंट इन स्टेप्स। तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, मैं उसी एग्जांपल को वापस से लिख रहा हूं, आप ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी से रिएक्शन की और सी बनाया, फिर ए ने सी से रिएक्शन की और डी बनाया, फिर डी ने बी से रिएक्शन की और ई बनाया, ये ओवरऑल रिएक्शन होगी कि टू ए ने टू बी से रिएक्शन की और ई बनाया। इस ओवरऑल रिएक्शन में ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कही जाएगी, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये स्टेप्स कही जाएंगे, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। इन स्टेप्स में अगर मान लो ये वाला स्टेप स्लो है, मैंने स्लो कहा है, ये फास्ट कहा है, मतलब स्लो का मतलब इन बाकी तीन स्टेप्स में ये स्लोएस्ट स्टेप हो गया, तो ये स्लोएस्ट स्टेप है इसको हम बोल देंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में आइडेंटिफाई करने के बाद में अगला पार्ट है कि इस ओवरऑल रिएक्शन में आप देखो सी नहीं है, इस ओवरऑल रिएक्शन में डी नहीं है, तो इन सी और डी को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट्स। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर सी और डी को? इंटरमीडिएट्स। वेरी गुड, तो सी और डी को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या हुए? सी और डी, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है। अब समझ में आ गया इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? Yes, sir. तो इस तरह आपको समझना है इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। अब हम इसके आगे अगर रेट ऑफ द रिएक्शन लिखें, मतलब रेट लॉ लिखें, रेट एक्सप्रेशन लिखें, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे लिखें? उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लिखने के लिए हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से रेट लॉ बनाते हैं। किससे बनाते हैं बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। पर जब हम रेट लॉ लगा आपने बनाते हैं तो वहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं, और वो क्या है कि उस रेट लॉ में, रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, और दूसरी बात अब बताओ बेटा इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, क्योंकि बराबर होती है, भी लिखा मैंने ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी बराबर होती है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी ऑफ आर डी एस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही ऑर्डर होती है, और उस ऑर्डर को ही हम ओवरऑल रिएक्शन की ऑर्डर मान लेते हैं। दैट इज कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अब इसमें, मॉलिक्युलरिटी के लिए तो सिर्फ काउंट करते हैं ना बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं? दो। बोलो कितने मॉलिक्यूल है इसमें आर डी एस में? रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल है ना बेटा? यस सर। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? टू। मतलब इसका ऑर्डर भी कितना होगा? टू। और इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो आ रहा है इसका स्टेप का, वही इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर माना जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इस पार्ट को इरेज कर दूं, आगे चलूं? Yes, sir. चलो देखो अब आगे। ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ इट्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर होता है वही कंप्लीट, वो पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कहा जाता है। नंबर टू, इन रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ में, रेट लॉ
depends at RDS. Rate determining step का जो rate law होगा वही overall complex reaction का rate law कहा जाएगा. Okay बेटा, और इसमें एक बात condition एक picture clear है, but rate law और rate expression must है, ये must not है, नहीं होना चाहिए इंटरमीडिएट, उसमें इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए. ओके बेटा, अब आप कहोगे सर कैसे इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो एक मिनट के लिए समझिए, फिर हम बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आप एग्जांपल देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूं जो अभी मैंने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या बनेगा. रेट लॉ फॉर अबव एग्जांपल जो मैंने अभी लिया है ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, उसमें रेट लॉ बनेगा बेटा, ये ध्यान देना आप लोग. रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी. ऐसे बनेगा ना, क्योंकि जो आरडीएस था उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो क्या था, ए प्लस सी इज इक्वल टू डी बेटा, यही था ना. यस सर. बट हमने कंडीशन क्या लगाई कि रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, और इस रेट लॉ जब मैंने बनाया तो इसमें सी आ गया, और सी तो इंटरमीडिएट था, ये हम पढ़ चुके थे, है ना बेटा. बोलो. यस सर. तो अगर ये इंटरमीडिएट है तो इसमें एक बात और समझने वाली है, बस वही बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं. ये इंटरमीडिएट केवल तब नहीं होगा जब ये इंटरमीडिएट अपने किसमें इन्वॉल्व हो, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन. किसमें इन्वॉल्व हो बेटा, इसी में अलग पेन से लिख रहा हूं इसको, इन्वॉल्व्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन. अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो आपको सर मतलब यहां पर ये इंक्लूड होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो स्टेप था जिसमें सी बन रहा था वो कौन सा स्टेप था, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और ये इरिवर्सिबल है, रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रही है ना बेटा. बोलो. यस. वेरी गुड. अगर ये रिएक्शन ऐसे होती, अब आप देख लो आपका अदर एग्जांपल, मैं कहता कि ए प्लस बी से सी बन रहा है रिवर्सिबल स्टेप में, ये आपका फास्ट स्टेप है. इसके बाद फिर ए ने रिएक्शन की सी से और ये स्लो स्टेप है, अब बना डी, और उसके बाद में बी ने डी से रिएक्शन की और अब बना ई, और ओवरऑल रिएक्शन बनी आपकी 2a plus 2b is equal to e. अब इसमें जो इंटरमीडिएट है आपका सी, अगर मैं स्लोएस्ट स्टेप से यहाँ पर रेट लॉ बनाऊं तो हो जाएगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी, बट सी रिवर्सिबल स्टेप का है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए मतलब सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की जगह पर रिवर्सिबल में मैं ए प्लस बी मान सकता हूँ. तो अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नया जो रिएक्शन होगा आरडीएस, वो अब आरडीएस होगा न्यू आरडीएस, न्यू रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ए प्लस, मैं सी को रिप्लेस कर दूंगा ए और बी से, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और इसको मैं लिख दूंगा ए और ए को 2a plus b is equal to product, और अब मैं रेट लॉ जो बनाऊंगा वो इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा. तो क्या होगा रेट लॉ, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. ओके बेटा, क्योंकि एक दो मॉलिक्यूल है, ये कहना चाह रहा हूं, समझ में आ गई बात. और अब इसके अकॉर्डिंग इस रिएक्शन के लिए अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा सम ऑफ द पावर्स 2+1 दैट इज 3. तो ये रिएक्शन जो पहले वाला एग्जांपल था उसका ऑर्डर क्या था बेटा, 2. इसका ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, 2, एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट एक सी. इज दैट क्लियर. मोस्टली इन चीजों को लोग डिस्कस नहीं करते हैं,
हम आगे अब एक्चुअल और जेन्युइन एग्जांपल जो हमारे नेचर में हम रिएक्शंस में पढ़ रहे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं और डिटेल स्टडीज के आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. ओके बेटा, रोज का रोज पढ़ के याद करो.